संगमरमर की चौखटों के बीच चंदन की लकड़ी से बने 24 द्वार, रावण पर राम की जीत का प्रतीक विजय स्तंभ, 212 पिलर, 330 बीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज हम लेकर आए हैं राम मंदिर के नक्शे से जुड़ी सारी जानकारी और आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो राम मंदिर का नक्शा बनाने वाले चंद्रकांत सोमपुरा ने खुद हमें भेजी हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ही हम आपको मिलवाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा से, जो खुद बताएंगे राम मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य होगा। जो है अष्टकोणीय पूरा मंदिर है, नागर शैली में बना है और ये मेरे ख्याल से एक इस टाइप का अनुसारी मंदिर है। और ये मंदिर जो है वो नागर शैली में है और ये मंदिर दो मंजिला है। नीचे की मंजिल में राम नन्ना की मूर्ति बैठेगी, ऊपर के हिस्से में राम दरबार बैठेंगे और इसके ऊपर शिखर होगा। शिखर के पास में गुड मंडप होगा जहाँ से दर्शन करने जाएगा, फिर नृत्य मंडप होगा और आगे उसकी चौकी होगी और आगे जाते जाते चारों तरफ चार मंदिर और होंगे। इसमें हनुमान जी, गणपति, सीता जी और लक्ष्मण जी मंदिर होंगे। और ये मंदिर में करीब 2.5 लाख गणपुट पत्थर लगेगा और ये करीब 1 लाख गणपुट पत्थर का काम तो हो गया है, 1.5 लाख गणपुट पत्थर अभी लगना बाकी है, मतलब लाना ही बाकी है और गढ़ना बाकी है। ये करते करते करीब मेरे ख्याल से 3 साल लग जाएंगे। हाँ जी मुझे 30 साल पहले अशोक जी सिंगर मुझे ले गए थे वहाँ अयोध्या में और वहाँ हमने शुरू करने का लिए सोचा था और अपने पैरों से मेजरमेंट लेके, क्योंकि वहाँ तो पैर तो नहीं ले जाने देते थे, तो पैरों से हमने मेजरमेंट लिया कि भी एक पैर चलते हैं तो 1.5 फुट होता है, कितना पैर चले, क्या हुआ है, वो सब मेजरमेंट करके हमने प्लान तैयार किया था और 30 साल हो गया इसको। राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध ऐसे परिवार से है जिसे पारंपरिक भारतीय नागर शैली के मंदिरों के डिजाइन बनाने में महारत हासिल है। गुजरात के विख्यात सोमनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर भी इसी परिवार की देन है। इस मंदिर के आर्किटेक्ट थे चंद्रकांत सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा के पिता भी देश के जाने माने आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर के मरम्मत का कार्य किया था। चंद्रकांत सोमपुरा को वास्तुकला की ये बेजोड़ विरासत किसी और से नहीं बल्कि पिता से ही मिली। चंद्रकांत उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे जब उनके पिता एक हादसे का शिकार हो गए। चंद्रकांत के पिता उन दिनों बद्रीनाथ मंदिर की मरम्मत का कार्य कर रहे थे, इसी दौरान एक हादसा हुआ और वो अलकनंदा नदी में बह गए। पिता की ही तरह बेटे ने भी कुछ बड़ा करने की ठानी और आज से करीब 30 साल पहले जब उनके पास अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा बनाने का कार्य आया तो उन्होंने जो नक्शा तैयार किया वो इस प्रकार है। राम मंदिर 2 मंजिला होगा। मंदिर की लंबाई करीब 268 फुट होगी जबकि प्रस्तावित चौड़ाई 140 रखी गई है। नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई 128 फुट बताई गई है। मंदिर को 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला भाग सिंह द्वार, दूसरा नृत्य मंडप, तीसरा रंग मंडप, चौथा कोली, पांचवा गर्भगृह और छठे भाग में परिक्रमा की व्यवस्था होगी। 2 मंजिला राम मंदिर में करीब ग्राउंड फ्लोर पर 106 और ऊपर के फ्लोर पर भी 106 खंभे होंगे। चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर के लिए नक्शा तैयार किया है, उसके हिसाब से मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
अब राम मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल आता है, और वो है आखिर भगवान राम कहां विराजमान होंगे। तो जवाब है, राम की प्रतिमा भूतल पर प्राण प्रतिष्ठित होगी, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर राम दरबार सजाया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि आखिर राम मंदिर निर्माण पर कितना पैसा खर्च होगा। तो इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ एक क्लू जरूर है जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रकांत सोमपुरा ने 30 साल पहले जो नक्शा बनाया था उसके आधार पर राम मंदिर मॉडल तैयार किया गया था। उस मॉडल पर 6-7 लाख रुपए का खर्च आया था। जरा सोचिए कि जब मॉडल करीब 7 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ तो राम मंदिर पर आखिर कितना पैसा खर्च होगा। तो ये थी अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के नक्शे से जुड़ी बेहद अहम जानकारी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेली बज इंडिया। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।